कोतवाली क्षेत्र नवल नगर कॉलोनी में तीन भाई एक ही मकान में रहते हैं। तीनों भाई अपने अपने परिवार के साथ शहर से बाहर मकान पर ताला लगाकर चले गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने एसी लगाने वाली जगह से घर में प्रवेश कर लिया और तसल्ली से घर में रखा सामान खंगाला। चोर लाखों की नकदी और सोने चांदी के गहने चोरी करके चले गए। एएसपी हाथर सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि मकान 5 दिनों से बंद था, इसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मामले में जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। और अंगूठी थी और चूड़ी थी और ठाकुर जी के रुपए थे, भगवान मंदिर बेटी की सारी मूर्ति मिली थी, वो गई मनोज शर्मा। क्या हुआ आपके घर? चोरी हो गई। कहाँ गए थे आप सभी लोग? मैं तो मैं बच्चों को दिल्ली टेस्ट बने गया था, छोटा भाई 4-5 दिन से बाहर गया। तो लगभग कोई आकलन है कितने लाख रुपए की चोरी आपके यहाँ हुई है? कितना सामान ले गया चोर, क्या क्या ले गया? कैश था मेरा यहाँ, LED TV था और ठाकुर जी का पैसे थे और मेरी चीज थी, जंजीर थी, अंगूठी थी और भाई तीनों कमरों में लगभग कितने लाखों की चोरी का आकलन किया जा रहा है? चोरी जो यहाँ पे चोरी हुई है, किस कितनी बड़ी चोरी हुई है, किस तरह रहा यहाँ पे, आप क्या इंक्वायरी करने आए? देखिए ऐसा ही है, मनोज शर्मा जी का तीन भाइयों का यहाँ पे एक साथ रहना होता था और करीब 5 दिनों से ये मकान थोड़ा खाली पड़ा हुआ था और उसी का लाभ उठा करके सामान भी गया, कुछ जूझी भी गई। अभी आप देख करके डिटेल बता देंगे, उसी हिसाब से इसमें किया जाएगा। प्रयास रहे कि बहुत जल्द हम इसमें चोरी किया सामान की रिकवरी भी करें और गिरफ्तारी। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई अभी तो आप बताएंगे, इसको पहले देखेंगे इसको। इतना बड़ा मामला है, डॉग को स्क्वाड को बुलाना पड़ा। देखिए डॉग स्क्वाड हमारा बड़े छोटे मामले से मतलब नहीं होता, वैसे भी जो चोरी होती है या इस तरह की चीज़ें होती है उसमें हमारे डॉग स्क्वाड जा करके हेल्प मिलती है और एविडेंस में भी और बाकी चीज़ों।